का फास्टेस्ट रिकॉर्ड बनाया 126 बॉल में इससे पहले क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 138 बॉल में इसको ब्रेक किया और डबल सेंचुरी बनाने वाले ये दुनिया के सातवें बल्लेबाज बने हैं मेंस क्रिकेट के अंदर में और साथ में भारत से ये चौथे खिलाड़ी हैं इनसे पहले सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग डबल सेंचुरी बना चुके हैं और सबसे पहला डबल सेंचुरी बनाने वाले सचिन तेंदुलकर थे अगला क्वेश्चन है वट इज द पोजिशन ऑफ इंडिया इन द 2022 ट्वेंटी टू हुरून ग्लोबल लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू हुरून ग्लोबल लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है तो इसका आंसर है बी पांचवा। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की 500 मोस्ट वैल्यूएबल 20 इंडियन कंपनीज है 500 मोस्ट वैल्यूएबल में से 20, 20 भारतीय कंपनी है और अगर बात करें टॉप 100 की तो टॉप 100 की लिस्ट में दो इंडियन कंपनी शामिल है जिसमें पहला है रिलायंस इंडस्ट्री जिसकी रैंक है 34 सेकंड है टीसीएस जिसकी रैंक है 65। तो दो टॉप 100 का हिस्सा है और जो 20 इंडियन कंपनीज़ 500 का हिस्सा है, है. तो है उसमें से रिलायंस इंडस्ट्री हो गया टीसीएस हो गया और तीसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक एच बैंक और दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में जो सबसे मोस्ट उनमें उनका नाम है एप्पल Microsoft, अल्फाबेट Amazon और टेस्ला जो 500 की लिस्ट है इसमें से जो 260 कंपनीज़ हैं, ये यूएस की कंपनीज है इसीलिए हुरून ग्लोबल लिस्ट के अंदर में जो जो कंट्री टॉप पे है वह है यूएस और इंडिया की जो रैंकिंग है वो सुधर गई है हम लोग नाइन्थ पोजीशन से अब फिफ्थ पोजीशन पे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी हैज प्रपोज टू लॉन्च अल्फा न्यूमरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल फैमिलीज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक अद्वितीय अल्फा पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है तो इसका आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर और ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ये इसलिए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि जितनी भी सोशली सोशल वेलफेयर स्कीम्स है गवर्नमेंट की उनको सही लोगों तक और प्रॉपर तरीके से पहुंचाया जाए हम लोगों ने देखा है कि ऐसे स्कीम्स के अंदर में जिनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता इसीलिए एक डेटा तैयार किया जा रहा है कि एक्चुअली में जो लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है वो उन तक पहुंचाई जा सके और सिमिलर टाइप का अगर हम लोग देखें डेटा अलग अलग स्टेट्स में भी तैयार किया गया है अगर आप हरियाणा के अंदर में देखोगे तो ये जो सेम कंसेप्ट पे उन्होंने नाम दिया था जो डेटाबेस तैयार किया था उसका नाम दिया हम उन्होंने फैमिली पहचान पत्र और इस ये हरियाणा के अंदर में चालू हुआ था ये हम लोगों ने देखा भी है अक्टूबर की वीडियो के अंदर में फिर पंजाब ने भी इसको इंप्लीमेंट किया है और इसी टाइप का सिमिलर कंसेप्ट यूपी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है जिसका नाम दिया उन्होंने परिवार कल्याण कार्ड तो इस टाइप का डेटाबेस अलग अलग स्टेट्स के अंदर में भी फॉलो किया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज डैश विल बी कंडक्टेड एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सल भारत नेपाल संयुक्त परीक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया गया इसका नाम क्या है तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है इंडो नेपाल जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है तो इसका आंसर है बी सूर्य किरण इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर में हमेशा नाम पूछता है कि जो भी दो बायो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है तो इसका आंसर है सूर्य किरण और ये इसका सिक्सटीन एडिशन है और ये ये कंडक्ट किया गया नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सल झंडी के अंदर में इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई थी फिफ्टींथ एडिशन ये हुआ था उत्तराखंड के अंदर में तो ये हर साल अल्टरनेटिवली चलता है एक साल नेपाल में एक साल भारत के अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2022 भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है तो इसका आंसर है बी न्यू दिल्ली इसका हमारे यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया और यह इस साल जो हुआ है यह सेवेंथ एडिशन है और इंडिया वाटर्स इंपैक्ट समिट इसका जो मेन मोटिव है ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि भारत में नदियों और जल निकायों की रक्षा के लिए जल और पर्यावरणीय बुनियादों बुनियादी ढांचों के विकास की दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना यह इसका मेन मोटिव है ऑब्जेक्टिव है और इस साल का जो थीम है वह है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन विथ फोकस ऑन सेलेक्ट आस्पेक्ट ऑफ मैपिंग एंड कन्वर्जेंस ऑफ फाइव पीस पीपल पॉलिसी प्लान प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है बेपोर उरू इज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्टेट बेपोर उरू किस राज्य का प्रमुख उत्पाद है तो इसका आंसर है सी केरला और ये न्यूज पे इसलिए है क्योंकि तो खोजिक डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन की मांग की है इसके लिए जी आई की मांग की है इसके लिए भौगोलिक संकेतक की मांग की है और बात करें बेपोर उरू की तो एक तरह का वुडन शिप होता है जो कि वहां के कुशल कारीगर और बढ़ईयों के द्वारा बनाया जाता है और बात करें बेपुरहरू की तो एक तरह का सिंबल है केरल का ट्रेड रिलेशन का गल्फ कंट्रीज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट बाय फोर्प्स एंड ब्लूमबर्ग हु रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये ये जो क्वेश्चन है हम लोग कल की वीडियो में ही कवर किया है इसको तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक like, लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें